नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर के जेवर में तैयार हो रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें, उन्नयन मंत्री नंदगोपाल नंदी भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। 25 नवम्बर पीएम नरेंद्र मोदी को जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करना है और वहीं कार्यक्रम में सीएम योगी के अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत राज्य सरकार के मंत्री और अन्य दिग्गज नेता शिरकत करने वाले हैं। यहां तैयारियों को परखने के बाद सीएम योगी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि एयरपोर्ट का निर्माण कार्य 2023-24 तक पूरा हो जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के बाद इसमें लगभग 34 से लेकर 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश अकेले इस एयरपोर्ट पर होगा। 1 लाख से अधिक लोगों को नौकरी और रोजगार यहाँ पर उपलब्ध होंगे। इसके साथ ढेर सारी अन्य संभावनाएं यहां पर बनेंगी। समारोह के साथ ही यहीं पर हम लोग यमुना अथॉरिटी में जो एयरपोर्ट है, हमारा जॉइंट वेंचर है नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी को मिलाकर के हम लोग इस एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई को राज्य सरकार के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। आगामी चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। पक्ष विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमला बोल रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी जंग भी बढ़ती जा रही है। आज बीजेपी ने एक बार फिर से सपा पर हमला बोला है। दरअसल बीजेपी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जो अखिलेश यादव अपने परिवार के सगे नहीं हुए, उनसे जनता क्या उम्मीद करेगी कि वो लोगों का भला करेंगे। उनके लिए तो एक ही बात कही जा सकती है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो निशाना बीजेपी का और निशाना किस पर लगाया गया? अखिलेश यादव पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में गठबंधन के लिए राष्ट्रीय लोकदल और सपा आगे बढ़ती अब नजर आ रही है। एक कदम आगे है राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी। अखिलेश यादव से आज मुलाकात करते नजर आए, राजधानी लखनऊ में ये मुलाकात हुई। आपको बता दें, दोनों नेताओं की मुलाकात अखिलेश यादव के आवास पर हुई और करीबन 2 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच में बातचीत चली है। बताया ये भी जा रहा है कि सीटों को लेकर के बंटवारा जो होना था उस पर उहापोह की स्थिति लगातार बनी हुई है। सूत्रों के हिसाब से जयंत चौधरी ने सबसे पहले 45 सीटों की मांग रखी थी, अखिलेश इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, लिहाजा बात 40 पर अटकी। तो वहीं अखिलेश ने दोनों की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि जयंत चौधरी के साथ बदलाव की ओर। जयंत चौधरी ने अपने ट्विटर अकाउंट से जानकारी दी और इसमें लिखा, बढ़ते कदम। तो इन दोनों ट्वीट्स को मिलाइए और पढ़ने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा, परिवर्तन की ओर बढ़ते कदम, यानी कि बदलाव की ओर बढ़ते कदम। ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, जयंत ने कहा बढ़ते कदम। तो परिवर्तन का आगाज कर रहे हैं ये दोनों ही युवा नेता। गठबंधन हुआ है, मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये फिलहाल अभी तक साफ नहीं हो पाया। तो विपक्षी खेमे की बात हो रही है और मायावती की बात ना हो, बसपा की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जनता के बीच वादों का पिटारा लेकर नहीं जाएगी, बल्कि उपलब्धियों के खजाने से लोगों को लुभाएगी। 4 बार के शासन में हुए कार्यों का फोल्डर तैयार कराया गया है। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से मुखातिब थी और ये पत्रक आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा, ऐसा उनका कहना था, ताकि लोग जान सकें और इसी तर्ज पर बसपा के विकास की गणना कर सकें। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस बार वर्ष 2007 के ही तर्ज पर नतीजे आएंगे। उन्होंने कहा, बसपा शासनकाल की तरह किसी भी सरकार ने काम नहीं किया। उन्होंने कहा, पार्टी घोषणा पत्र जारी नहीं करती बल्कि करके दिखाने में विश्वास करती है। बसपा ने देश की आजादी के बाद सबसे ज्यादा विकास सूबे के लिए करा है। बीएसपी दूसरी पार्टियों की तरह कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में दूसरी पार्टियों की तरह अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है और इसके बिना ही यूपी में 4 बार बीएसपी के नेतृत्व में बनी सरकार ने प्रदेश के विकास व आम जनहित में असंख्य ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिन्हें चुनाव में प्रदेश की जनता को याद दिलाने के लिए
एक फोल्डर भी तैयार किया गया है। 403 विधानसभा में गांव गांव और कस्बे तक इस फोल्डर को लोगों को लोगों के हाथों में दिया जाएगा पढ़ने के लिए, ताकि उन्हें यह एहसास हो जाए कि मेरे नेतृत्व में बनी सरकार ने तो यूपी में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। क्योंकि जब सपा इधर पावर में थी, अब बीजेपी है, तो मेरे ही कार्यों को वो इधर उधर उसके उसके अब शेप बदल के वो तो उसको वो अपने कार्य दर्शाते रहे हैं। जबकि जो मैंने कार्य किए हैं तो मेरे ख्याल आज तक आजादी के बाद लंबे अरसे तक इधर कांग्रेस पार्टी पावर में रही उसने भी नहीं किए, अन्य किसी पार्टी ने भी इतने कार्य नहीं किए हैं इतने कम समय में। मैंने 2-3 दिन लगातार इसको लेके ट्वीट किए हैं, तो 3 कृषि कानून को सेंट्रल गवर्नमेंट ने वापस ले लिए, लेकिन इनकी और भी कुछ जायज मांगे हैं तो केंद्र की सरकार को जो किसान संगठन है तो उनके साथ बैठकर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, ताकि किसान लोग तो खुशी खुशी से फिर अपने घरों में वापस जाकर तो अपने काम में लग जाए। केंद्र सरकार से मेरी अपील है, अब इस मामले को ज्यादा लटकाना नहीं चाहिए, जो भी उनकी जायज मांगे उनको एक एक करके उसको दूर करना चाहिए। बहुत ही आराम से एसी के कमरे में बैठकर कही गई ये बात कि जायज मांगों को मान लेना चाहिए। सोचिए, एक साल बिताया है दिल्ली की सरहद पर किसानों ने, और न जाने कितने मौसम कितने बीहड़ यातनाएं झेलनी थी, उसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 विधायकों में 396 विधायकों पर एडीआर ने सर्वे किया। इस दौरान एडीआर के इस सर्वे में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। एडीआर ने यूपी के विधायकों पर दर्ज आपराधिक मामले और संपत्तियों को लेकर सर्वे कराया है, जिसमें यूपी में 396 विधायकों में से 140 विधायक ऐसे जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 101 विधायकों पर तो गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, छेड़खानी जैसे तमाम मामले शामिल हैं। प्रदेश विधानसभा में और उपचुनाव को मिलाकर के 2017 के ये विश्लेषण तैयार किया गया है एडीआर द्वारा, शपथ पत्रों के द्वारा। तो इसमें जो है करीब 35% विधायकों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, उन्होंने जो स्वीकार। उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा के 403 में से 396 वर्तमान विधायकों के वित्तीय, आपराधिक एवं अन्य विवरणों का विश्लेषण किया है। ये विश्लेषण 2017 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद हुए उपचुनाव के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों के आधार पर किया गया। तो चुनाव आ रहे हैं, चुनाव का दौर है, तो ऐसे में हमारी सलाह आपको एक ये कि अपनी भाषा के न्यूज़पेपर के अलावा कुछ और भाषाओं पर भी नजर रखिए, क्योंकि चुनाव आयोग कहता है कि आपराधिक मामले आपके ऊपर जितने भी दर्ज हैं वो डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, और नेता क्या करते हैं दूसरी भाषाओं में डिक्लेयर करवा देते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में सबसे ज्यादा 15 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड कायम किया। टीकाकरण अभियान में उत्तर प्रदेश शुरुआत से ही सबसे आगे चल रहा है। देश में दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश भी आता है। तो टीकाकरण अभियान में यूपी सबसे आगे, यूपी नंबर 1, यूपी ने बनाया सबसे ज्यादा टीके लगाने का रिकॉर्ड। आगरा में भाजपा का युवा उत्थान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और रेसलिंग चैंपियन बबीता फोगाट पहुंचे। इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं के उत्थान के लिए जागरूक किया गया है, और युवा उत्थान कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के जेपी सभागार में आयोजित हुआ। युवा उत्थान कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु द्विवेदी और पहलवान गीता फोगाट ने हिस्सा लेकर युवाओं को राष्ट्र निर्माण के बारे में जानकारी दी है। माफ कीजिएगा, बबीता फोगाट ने हिस्सा लिया है। साथ ही रेसलिंग चैंपियन बबीता फोगाट ने युवाओं को प्रेरणा देने का भी काम किया। उत्तर प्रदेश में भगवा का जादू अब इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस में भी देखने
को मिल रहा है, दिखने लगा है। इसका नजारा कानपुर के लैंडमार्क टावर में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए नजर आया। एयरपोर्ट से जैसे ही कीवी के खिलाड़ी होटल पहुंचे तो बैकग्राउंड में मंदिर के घंटे बज उठे और साथ ही राम राम और सीता राम का भजन चलता सुनाई दिया। पिछली बार की तरह इस बार भी होटल प्रबंधन ने भगवा गमछा देकर खिलाड़ियों का स्वागत किया है। ऐसा नजारा शहर में दूसरी बार देखने को मिला, इस वजह से थोड़ा सा अलग है। आपको बता दें कि टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेलने के बाद टीम इंडिया और न्यूजीलैंड कानपुर पहुंची है और इस दौरान भगवा गमछा देकर और आरती करके खिलाड़ियों का स्वागत हुआ है। खैर खबर ये नहीं है, खबर ये भी है कि भगवा जब तक केसरिया ना बन जाए तब तक सात्विक भी है और सहज भी, उसे अपना लेना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक चल रही है। इस बैठक में मंत्री सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, गणेश जोशी, यतीश्वरानंद, वंशीधर भगत, सुबोध उनियाल मौजूद हैं। आपको बता दें कि चुनावी मौसम को देखते हुए ये बैठक बेहद खास है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर राज्य सरकार मुहर लगा सकती है। इसके अलावा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखों को लेकर कैबिनेट बड़ा फैसला ले सकती है। तो वहीं इसके अलावा कैबिनेट बैठक में प्रदेश के खिलाड़ियों को बड़े तोहफा देने का ऐलान हो सकता है, जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने साझा करी थी। अजीत हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। अजीत, सुबह से ही इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अजीत, जिस पर हम सुबह से चर्चा कर रहे हैं वो घड़ी चल रही है, इस समय मीटिंग भी चल रही है, क्या लगता है आपको, किन किन विषयों पर चर्चा हो चुकी है, किन विषयों पर चर्चा होना बाकी है, क्योंकि आप सुबह से ही इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं? बिल्कुल पूजा, अभी तक की जो ताजा अपडेट है वो ये है कि बैठक अभी लगातार चल रही है और लगभग दो दर्जन से ज्यादा यानी 27 के करीब ऐसे प्रस्ताव हैं विभिन्न विभागों के जो राज्य कैबिनेट के सम्मुख प्रस्तुत किए गए हैं। और अभी जो जानकारी मिली है विभागीय जानकारों से वो लगभग 13 से 14 प्रस्ताव ऐसे हैं जो अभी तक कैबिनेट के सामने आए गए हैं। तो लगभग एक दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर और चर्चा होनी है और लगभग 9 बजे तक ये कैबिनेट चलने की उम्मीद अभी तक जताई जा रही है। तो सरकार पूरी कोशिश में है कि आने वाले शीतकालीन सत्र को देखते हुए या फिर विधानसभा चुनाव को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा फैसले ऐसे हों जो जनहित से जुड़े हुए हों, उसमें चाहे फिर खेल नीति की बात हो या फिर अन्य जनहित की समस्या और शिकायतों की बात हो, तो उनको कैसे दूर किया जा सकता है, इसको लेकर कैबिनेट की बैठक में मंथन हो रहा है। और लगभग 5 बजे के करीब ये बैठक शुरू हुई थी जिसके 9 बजे तक चलने की उम्मीद है, तो मैराथन बैठक इसको कहा जा सकता है। लगभग 4 घंटे, 3 से 4 घंटे की ये बैठक होगी और 27 के करीब प्रस्तावों पर चर्चा होगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी आपको यहाँ पर अजीत। पुष्कर सिंह धामी, ये जो तमाम हम विजुअल्स दिखा रहे हैं इसमें पुष्कर सिंह धामी तमाम फाइलों पर सिग्नेचर कर रहे हैं, आखिरी मौका है इन सिग्नेचर्स का शीतकालीन सत्र का, जो भुनाना है भुना ले धामी सरकार, क्योंकि इसके बाद फैसले की घड़ी होगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, उम्मीद यही की जा रही है कि 7 और 8 नवंबर का शीतकालीन सत्र है जो गैरसैंण में आयोजित होना है और उससे पहले अगर होगी तो एक कैबिनेट की बैठक और हो सकती है शीतकालीन सत्र के बिजनेस को लेकर। तो ऐसे में ये अंतिम कैबिनेट बैठक कही जा सकती है शीतकालीन सत्र से पहले। तो सरकार की पूरी कोशिश है जितने ज्यादा फैसले, जितने ज्यादा शासनादेश आज जारी हो सकते हैं कैबिनेट के माध्यम से, वो जारी किए जा सके, जो जनता के बीच पहुंचे और जनता के बीच में एक मैसेज देने का काम किया जा सके कि सरकार बेहतर काम कर रही है और जनहित के कार्य कर रही है। तो ऐसे में जो 27 के करीब प्रस्ताव है जिन पर आज चर्चा होनी है, उम्मीद है कि ऐसे बड़े फैसले होंगे जो सीधे तौर पर आम जनता से जुड़ते हुए नजर आए। ठीक है अजीत, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिए, जनहित का विषय है, जनता का विषय है, तो जनता टीवी पीछे रह नहीं सकता। हमारा सरोकार आपके साथ जुड़ा हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम केजरीवाल ने तीसरी गारंटी के तौर पर मुफ्त तीर्थ यात्रा की घोषणा की थी, हरिद्वार में यह घोषणा हुई। इस घोषणा को लेकर 25 नवंबर को आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट यानी कि कर्नल अजय कोठियाल हरिद्वार के केजरीवाल की तीसरी गारंटी मुफ्त तीर्थ यात्रा की शुरुआत भी करने वाले हैं। 26 नवंबर से रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, वो शुरू हो जाएगा। आपको ये भी बता दें कि रजिस्ट्रेशन का काम पूरे सूबे में किया जाएगा, सूबे यानी कि देवभूमि उत्तराखंड में, जिसमें मुफ्त तीर्थ यात्रा करने वालों का ब्यौरा रेडी होगा। रजिस्ट्रेशन का काम 10 दिन यानी कि 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक अभियान के तौर पर चलाया जाएगा। आगामी चुनाव और यात्रा को लेकर पूरे प्रदेश में 1000 से ज्यादा जनसभाएं होंगी, जिसमें लोगों को तीर्थ यात्रा से जुड़ी तमाम जो जानकारियां हैं और रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी उत्तराखंड के हृदय हरिद्वार में आए थे तो उन्होंने इस बात की गारंटी दी कि दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में भी बुजुर्गों को
तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। जो पहले डेस्टिनेशन थे उन तीर्थों में से एक और तीर्थ का नाम उन्होंने उसमें जोड़ा, जो है अयोध्या जी। उसके भी दर्शन मुख्यमंत्री तीर्थ योजना जो चलती है, बुजुर्गों को जो दर्शन कराए जाते हैं उसके माध्यम से होगी। तो नवीन पुरुषाली को सुन रहे थे आप। नवीन पुरुषाली ने साफ तौर पर बोला है कि तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी और उसमें एक और तीर्थ स्थान को जोड़ा है। अब ये तीर्थ यात्रा में तीर्थस्थल को किस तरीके से जोड़ा गया वो भी समझ लीजिए। पिछले दिनों अयोध्या गए थे अरविंद केजरीवाल और वहां पर जब रामलला के दर्शन किए तो भाव विभोर हो गए। भाव विभोर हुए तो वहां से लौटे, दिल्ली में घोषणा करी। घोषणा के दौरान कहा कि हम तीर्थ यात्रा के ये जो क्रम है इसमें हम अयोध्या को भी एड ऑन करते हैं। विकास खरे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विकास, आपसे तमाम दर्शक ये समझना चाहेंगे कि ये जो यात्रा है, तीर्थ यात्रा, चार धाम यात्रा, इसकी शुरुआत कब से हो जाएगी? रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया होने वाली है? रजिस्ट्रेशन की डेट्स तो हमने बता दी है तमाम दर्शकों को, लेकिन इसकी शुरुआत कब से हो जाएगी? हाँ बिल्कुल पूजा, आपको बता दें, आपके सीएम और कैबिनेट कर्नल अजय कोटाल ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तीसरी घोषणा उत्तराखंड के समस्त जनता के लिए ऐतिहासिक गारंटी है। सभी बुजुर्गों को फिर तीर्थ कराने की सुविधा देने को ऐलान किया है। इस घोषणा से साफ हो चुका है कि आप पार्टी सौ धर्म पार्टी है और सभी धर्मों में अपना पूर्ण विश्वास रखती है। कोटाल ने यह भी कहा कि आपकी सरकार बनने पर उत्तराखंड की जनता जिस अयोध्या में रामलला के दर्शन करने हैं उनको मुफ्त दर्शन कराए जाएंगे, जिसमें आना जाना और रहना खाना पीना सब खर्चा सरकार वहन करेगी। मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए अजमेर शरीफ की मुक्त यात्रा, तो सिख समुदाय के लोगों को पवित्र स्थल करतारपुर साहिबा के मुक्त दर्शन करवाए जाएंगे। कोठार ने कहा कि आपकी घोषणा सिर्फ घोषणा नहीं होती बल्कि वो गारंटी होती है जो सरकार बनते ही पूरे से हो जाएगा। और बता दें कि जिस तरह से ये घोषणा अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जो दिल्ली के उन्होंने साफ तौर पर हरिद्वार में घोषणा की, उन्होंने कहा कि आजकल में ही रजिस्टर होने शुरू हो जाएगा, लेकिन उनका ये दावा है कि जिस समय आपकी सरकार बनेगी ये गारंटी जो है सरकार बनते ही पूरी होगी। पूजा ठीक है, बहुत शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये तो तय है कि यात्रा अगर करनी है तो सरकार बनानी होगी और ये एक बहुत बेहतरीन चुनावी दाव है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पदयात्रा निकाली है, जिसमें भाजपा के शासनकाल में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के प्रति मुखर होकर हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में आम लोगों के साथ व्यापारी, कर्मचारी, यहाँ तक कि पत्रकार तक परेशान हो गए। आज पूरे प्रदेश में विकास काम ठप्प पड़ा हुआ है, कोटद्वार भी इसे अछूता नहीं है। बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए कांग्रेस का प्रदेश में हल्ला बोल कार्यक्रम जारी रहेगा। इस सरकार ने आम आदमी का जीवन असंभव कर दिया है। महंगाई चरम पर है, गैस के दाम, दालों के दाम, खाने के तेल के दाम, सब्जियों के दाम, कोई दाम ऐसे नहीं है जो बेलगाम नहीं हो गए हैं। व्यक्ति के लिए, महिला के लिए अपनी गृहस्थी चलाना असंभव हो गया है। बेरोजगारी चरम पर है, कोई घर ऐसा नहीं है जो बेरोजगारी के अभिशाप से संतप्त नहीं है। भ्रष्टाचार निरंतर बढ़ रहा है और विकास ठप पड़ा हुआ है। कोटद्वार का विकास भी ठप हो गया है। कोई हिस्सा, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, कोई हिस्सा ऐसा समाज का नहीं है, यहाँ तक कि पत्रकार भी, जो इस सरकार के राज्य में संतप्त नहीं है, परेशान नहीं है। कांग्रेस की सरकार अभी कई राज्यों में बची हुई है। बेहतर ये होता हरीश रावत अपनी सरकारों में महंगाई किस तरीके से उन्होंने नियंत्रित करी अगर ये बताते वो तो। उत्तराखंड के यूपीसीएल और पिटकुल में जेई के पदों को लेकर के परीक्षा रिजल्ट जारी हो चुका है। इसके बाद भी नियुक्ति नहीं मिलने से अब अभ्यर्थियों ने जल त्याग निर्णय करने का फैसला किया। आपको बता दें यूपीसीएल और पिटकुल में जनवरी 2021 को जूनियर इंजीनियर्स इलेक्ट्रिकल के 252 पदों पर परीक्षा करवाई गई और केवल 150 पदों पर ही रिजल्ट जारी किया गया था। 102 पदों को शासन से अनुमति के नाम पर लटका दिया गया और इस संबंध में 56 दिन से धरने पर बैठे 102 अभ्यर्थी अभी भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना, वो लोग मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री, अन्य कैबिनेट मंत्रियों से कई बार मिल चुके हैं लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे जनवरी 2021 में 252 पदों पर भर्ती हुई थी, जिसमें सरकार ने जो है 150 पदों पर रिजल्ट जारी कर दिया और 102 पदों को उन्होंने वित्तीय स्वीकृति के नाम पर होल्ड पर कर दिया।
मैं सिर्फ आपके माध्यम से सिर्फ यही निवेदन करूंगा कि 56 दिनों से बच्चे हड़ताल में बैठे हैं। हमने भूख हड़ताल भी कर ली, सांकेतिक भी कर लिया, कर्मिक भी कर लिया। मुख्यमंत्री जी ने 3 तारीख को आश्वासन भी दे दिया, 3 नवंबर को छोटी दिवाली में मंत्री जी का अप्रोवल भी आ गया, लेकिन मामला पता नहीं क्यों अटका हुआ है। 56 दिन पता नहीं क्यों लग गए हैं। कल से मैंने जल त्याग किया है। अगर हमारी अगर मांग पूरी नहीं होती है तो कल से जो है परसों से ये सब युवा जल त्याग में बैठेंगे, और उससे भी बात नहीं बनती है। हम सब लोग जो है दिल्ली की ओर रुख कर रहे हैं प्रधानमंत्री के आवास के बाहर जाने की। अगर ये हमारी बात नहीं सुनते हैं, प्रधानमंत्री जी के पैरों में पड़ेंगे, बोलेंगे आपने प्रदेश नेतृत्व जो भेजा है वो हमारी बात नहीं सुन रहा है, अब आप ही हमारी जो है समस्या का समाधान करें। अब इन युवाओं को कोई समझाए कि प्रधानमंत्री के पैरों पर तो किसान भी पड़े थे। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, और जनता टीवी की ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बहुत बेहतरीन हो। नमस्कार।